हेलो दोस्तों, अभी हम अप्रैल महीने के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट का क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, इंडिया इज एट 142 रैंक फीचरिंग ड्रॉप डाउन ऑफ टू प्लेसेस। सेकेंड स्टेटमेंट है, टोटल 180 कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस रिपोर्ट। थर्ड स्टेटमेंट देख लीजिए, द इंडेक्स हैज़ बीन टॉप्ड बाय नॉर्वे। तो आपको क्या करना है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द एबव। तीनों में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए ए नंबर है ओनली वन, बी नंबर ओनली वन एंड टू, ओनली वन एंड थ्री एंड ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों सही है। क्या है, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार जो इंडिया का रैंक है वो 142 है। टू प्लेस जो रैंक है वो गिर गया है इंडिया का, ठीक है, 142 पे रैंक आ गया इंडिया का। और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें टोटल कंट्रीज़ कितना होता है, 180 कंट्रीज़ का रिपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। और इस बार 2020 में टॉप जो किया है दोस्तों वो कौन सा कंट्री किया है, तो नॉर्वे ने टॉप किया है, ठीक है, नॉर्वे कंट्री ने टॉप किया है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, देखिए ये हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2020, इसके अनुसार इंडिया ड्रॉप्स टू प्लेसेस ऑन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज कंपाइल्ड बाय पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स सन फ्रॉन्टियर्स और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। द इंडेक्स हैज़ बीन टॉप्ड बाय व्हिच कंट्री, नॉर्वे, नॉर्वे कंट्री ने टॉप किया है, ओके दोस्तों, विथ ए स्कोर। स्कोर क्या है नॉर्वे का, 7.84, वाइल नॉर्थ कोरिया स्टूड एट लास्ट। लास्ट कौन आया है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया। रैंक क्या है उसका, 180 विथ ए स्कोर ऑफ 85.82। सिंस 2002 इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली बाय RSF टू रैंक 180 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू जर्नलिस्ट, ठीक है। चलिए तो समझ गए होंगे आप कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक कितना, 142 है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फेमस बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऋषि कपूर पास्ड अवे ऑन 30 अप्रैल 2020 फॉर विच मूवी ही वॉज कन्फर्म फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन 1974। आपका ऑप्शन है बॉबी, मेरा नाम जोकर, प्रेम रोग, दामनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉबी। बॉबी के लिए उन्हें क्या दिया था, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था 1974 में। कौन सा फिल्म के लिए, बॉबी फिल्म के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फेमस बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऋषि कपूर डाइड इन मुंबई ऑन 30 अप्रैल 2020। ही वाज 67 ईयर्स ओल्ड, ओके। ही वाज बोर्न ऑन 4 सितंबर 1952 इन चेंबूर, बॉम्बे, ठीक है। ही वाज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया से वो ग्रसित थे, ठीक है। ही इज़ मेजर फिल्म इंक्लूड मेरा नाम जोकर, बॉबी, लैला मजनू, अमर अकबर एंड थोनी, सागर, हेना, बोल रहा था बोल, सरगम, कर्ज, प्रेम रोग, नगीना, चांदनी, दामनी, 102 नॉट आउट, ओके दोस्तों। ही डायरेक्टेड द फिल्म आ अब लौट चले 1999। ही वाज कन्फर्म द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन 1974 फॉर हिज फिल्म बॉबी। ऑल्सो ही वॉज कन्फर्म द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर द फिल्म मेरा नाम जोकर। इन दिस फिल्म ही प्लेड फॉर हिज फादर रोल राज कपूर एज अ चाइल्ड। ही वॉज ऑनर विद द फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन ईयर 2008। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 29 अप्रैल 2020 फेमस बॉलीवुड एक्टर इरफान खान पास्ड अवे, इन विच ईयर ही वॉज अवार्डेड द पद्म श्री अवार्ड। तो आपके ऑप्शन हैं 2011, 2012, 2013, 2004। तो पद्म श्री अवार्ड कब दिया गया था इरफान खान को, तो दोस्तों 2011 में उन्हें अवार्डेड किया गया था, किससे, पद्म श्री से अवार्ड दिया गया था, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 2011 में, ठीक है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। देखिए दोस्तों, फेमस बॉलीवुड एक्टर इरफान खान डाइड इन मुंबई
ऑन 29 अप्रैल 2020 ही वॉज 53 ईयर्स ओल्ड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम न्यूरो एंडोक्रीन ट्यूमर ही वॉज बोर्न ऑन 7 जनवरी 1967 जयपुर राजस्थान इन हिज फिल्म कैरियर ऑफ नियरली 30 ईयर्स ही हैज़ वर्क इन मोर देन 150 फिल्म्स अपार्ट फ्रॉम हिंदी सिनेमा ही हैज़ ऑल्सो वर्क इन ब्रिटिश एंड हॉलीवुड फिल्म तो इरफान खान हॉलीवुड फिल्म में भी काम कर चुके हैं दोस्तों ठीक है हिज मेजर फिल्म इंक्लूड हासिल मकबूल लाइफ इन अप मेट्रो पान सिंह तोमर हिंदी मीडियम लाइफ ऑफ पाई कारवा मदारी पीकू ओके दोस्तों पीकू हैदर द लंच बॉक्स हिज फाइनल फिल्म अपीयरेंस वाज अंग्रेजी मीडियम लास्ट मूवी क्या था दोस्तों उनका अंग्रेजी मीडियम जो 2020 में रिलीज हुआ था ठीक है जो सीक्वल है किसका सीक्वल है हिंदी मीडियम का सीक्वल है अंग्रेजी मीडियम जो उनका लास्ट मूवी था सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क इन हॉलीवुड इंक्लूड्स स्लमडिंग मिलेनियम 2008 लाइफ ऑफ पाई 2012 जुरासिक वर्ल्ड 2015 एंड इन्फर्नो 2016 ही वॉज अवार्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन 2013 फॉर हिज फिल्म पान सिंह तोमर इन व्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर हिम विद पद्मश्री अवार्ड इन 2011 कब दिया गया पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2011 में उन्हें ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों योद्धा कल्याण योजना इज लॉन्च बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट कौन सा स्टेट सरकार राज्य सरकार ने योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया है दोस्तों तो आपका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया है देख लेते हैं ये क्या चीज़ का योजना है दोस्तों देखिए तो मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर के लिए योजना लॉन्च किया गया है असिस्टेंट टू गेट बेनिफिट्स ऑफ चीफ मिनिस्टर कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना इन मध्य प्रदेश अराउंड 1 लाख आंगनवाड़ी वर्कर एंड असिस्टेंट ऑफ द स्टेट विल गेट द बेनिफिट ऑफ चीफ मिनिस्टर कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना अंडर दिस इनिशिएटिव दे विल ऑल्सो गेट अ स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 lakhs. The benefit of this scheme will be given to the warriors under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, which was launched by the central government to cover only the field of staff of health, police and other department working day and night to prevent the spread of coronavirus COVID-19. Okay, dosto. To ye COVID-19 se jo raat din lad rahe hain हेल्थ स्टाफ और पुलिस और अदर डिपार्टमेंट के लोग उनके लिए ये दोस्तों योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया गया है किसके द्वारा ठीक है जो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है ठीक है हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है 50 लाख रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ठीक है शिवराज सिंह चौहान सीएम है मध्य प्रदेश का उनके द्वारा क्या किया गया 50 लाख का हेल्थ स्कीम इंश्योरेंस दिया जा रहा है ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु लॉन्च्ड द वेब पोर्टल युक्ति टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द एफर्ट एंड इनिशिएटिव्स ऑफ MHRD व्हिच हैव बीन टेकन वेक ऑफ COVID-19 ऑन April 12, 2020 तो युक्ति ओवे पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों तो आप देखिए करेक्ट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक ठीक है रमेश पोखरियाल निशंक जो HRD मिनिस्टर है ठीक है उनके द्वारा युक्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं देखिए यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च वेब पोर्टल युक्ति यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 12, 2020 ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पुलिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंगेज इन फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस तो पिछले वाला क्वेश्चन है दोस्तों तो मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कितना हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है दोस्तों कितना इंश्योरेंस दिया गया है तो 50 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस दिया जा रहा है ठीक है कितना 50 लाख इंश्योरेंस का ओके दोस्तों देखिए
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एन इंश्योरेंस ऑफ 50 लाख रुपीज़ ऑफ पुलिस पर्सनल एंड अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंगेज इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस. मेनी हेल्थ वर्कर एंड पुलिस पर्सनल एंड देयर फैमिली मेंबर्स हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस इन भोपाल. अ पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 लाख फॉर हिज हेल्थ वर्किंग वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19. ओके दोस्तों, 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, शिवराज सिंह चौहान द्वारा. ठीक है. ओके दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द उत्कल दिवस और उड़ीसा दिवस उड़ीसा डे सेलिब्रेटेड. ओके, तो फर्स्ट अप्रैल उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, या आप उड़ीसा डे भी कह सकते हैं. उत्कल दिवस या तो उड़ीसा डे सेलिब्रेटेड कब होता है? फर्स्ट अप्रैल. क्यों होता है? बिकॉज अप्रैल 1, 1936 को उड़ीसा का दोस्तों स्थापना हुआ था. क्या हुआ था? स्थापना हुआ था. ठीक है, इसलिए इस दिन को पूरे उड़ीसा में उड़ीसा डे मनाया जाता है, या उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज सेट अप फर्स्ट कोविड-19 हॉस्पिटल इन इंडिया. तो फर्स्ट कोविड-19 हॉस्पिटल इन इंडिया में इंडिया कौन किसने बनवाया, कौन सा कंपनी ने बनवाया दोस्तों? भारत में फर्स्ट कोविड-19 हॉस्पिटल किसने बनवाया? तो रिलायंस कंपनी ने बनाया. आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस कंपनी. ठीक है, रिलायंस कंपनी ने बनाया. देख लेते हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन. ऑन March 23, 2020 रिलायंस हैड सेट अप द फर्स्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया डैट विल बी ऑपरेट एक्सक्लूसिवली टू ट्रीट कोरोना वायरस पेशेंट्स. सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल इन कोलाबोरेशन विद द ब्रह्मिन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज सेट अप अ डेडिकेटेड 100-bedded कितना बेड? 100-bed. ओके, 100-bed सेंटर एट सेवन हिल्स हॉस्पिटल मुंबई फॉर पेशेंट हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19. ओके, रिलायंस एंड रिलायंस का चेयरमैन कौन है दोस्तों? मुकेश अंबानी. कौन है? मुकेश अंबानी. उनकी वाइफ का नाम है नीता अंबानी. ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. द लाइफ लाइन उड़ान फ्लाइट्स इज फंक्शनिंग टू सप्लाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन कंट्री. तो उड़ान फ्लाइट्स जो है दोस्तों, क्या काम करने के लिए इसको ड्यूटी दिया गया? लाइफ लाइन जो अभी है वो हमारे देश में फंक्शनिंग किस लिए फंक्शन में है वो? तो वो क्या कर रही है? इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है. क्या कर रही है? इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए, हैशटैग स्टे होम इंडिया विथ बुक्स इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ MHRD. सेकेंड स्टेटमेंट है, इट्स ऑब्जेक्टिव टू इनकरेज पीपल टू रीड बुक्स वाइल एट होम. तो ये दोनों में से, दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोथ वन एंड टू, दोनों ही सही है. ठीक है, देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन. देखिए दोस्तों, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ MHRD हैज़ लॉन्च्ड हैशटैग स्टे होम इंडिया विद बुक्स इनिशिएटिव. इट्स ऑब्जेक्टिव टू इनकरेज पीपल टू रीड बुक्स. इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि पीपल, हमारे देश के नागरिक को इनकरेज करना है बुक्स को पढ़ने के लिए एट होम, घर के अंदर ही. कोरोना कोविड-19 के टाइम में घर में ही रह के पढ़ने के लिए इनकरेज कर रही है. ठीक है, एट होम इज प्रोवाइडिंग इट्स सेलेक्ट एंड बेस्ट सेलिंग टाइटल्स फॉर फ्री डाउनलोड पार्ट ऑफ इनिशिएटिंग एंड हैशटैग स्टे होम इंडिया विद बुक्स. 100+ books can be downloaded from NBT website in PDF format. National Book Trust is an Indian publishing house founded in 1957 as an autonomous body under the Ministry of Education of Government of India. NBT now functions under aegis of Ministry of Human Resource Development, Government of India. Okay? तो National Book Trust ने अभी एक launch किया है दोस्तों, जिसके अनुसार people of India को encourage कर रहा है कि वो अभी घर में ही रह के बुक्स को पढ़े. ठीक है, बुक्स को पढ़ने के लिए इनकरेज किया जा रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंटरनेशनल कंपनी हैज अनाउंस्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,474 crores इन रिलायंस जियो. तो ये फॉरेन कंपनी कौन सा है जो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है दोस्तों 43,474 crores? तो फेसबुक कंपनी जो है ये इन्वेस्ट कर रही है. ठीक है, फेसबुक के फाउंडर सीईओ कौन है दोस्तों? तो मार्क जुकरबर्ग
सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन अप्रैल 1, 2020 द यूनाइटेड नेशन डिसाइडेड टू पोस्टपोन टू द proposed COP26 in November 2020. It was scheduled to be organized in कहाँ होने वाली थी दोस्तों? COP26 जो है postpone कर दिया गया है दोस्तों, COP26 postpone कर दिया गया है। तो ये कहाँ पे होने वाली थी दोस्तों? तो 2020 जो November 2020 में होने वाली थी, कहाँ पे शेड्यूल किया गया था? तो ग्लासगो में शेड्यूल किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए द COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ UN क्लाइमेट चेंज शेड्यूल इन ग्लासगो इन नवंबर 2020 हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड ड्यू टू COVID-19। दिस डिसीजन वॉज टेकन बाई द कॉप ब्यूरो ऑफ द UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज विद द UK एंड इट्स इटालियन पार्टनर्स। द रिशेड्यूल डेट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस टू 2021 विल, अब कब होगा दोस्तों? जो नवंबर 2020 में होने वाली थी, अब ये रीशेड्यूल होगा, कब होगा? 2021 में। विल बी अनाउंस्ड इन द फ्यू डेज। COP25 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मैड्रिड स्पेन इन द ईयर 2019 और 2019 में कहाँ हुआ था? मैड्रिड स्पेन में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्चुअल मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टुक प्लेस ऑन अप्रैल 15, 2020 अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ सऊदी अरब। दोस्तों G20 का मीटिंग जो हुआ अब इस बार का, वह कहाँ हुआ? सऊदी अरब में हुआ था और वर्चुअल मीटिंग हुआ था ड्यू टू कोविड 19 के कारण वर्चुअल मीटिंग हुआ था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने मीटिंग की। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सभी मीटिंग की, G20 फाइनेंस मीटिंग हुई सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, देखिए द सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग टुक प्लेस ऑन 15, 2020 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन कॉरपोरेट अफेयर्स। निर्मला सीतारमन अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, वो पार्टिसिपेटेड इन द वर्चुअल सेशन ऑफ मीटिंग टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक अमिड इवॉल्विंग COVID-19 पेंडेमिक। मेन हाईलाइट्स ऑफ द मीटिंग, फाइनेंस मिनिस्टर फोकस्ड अपॉन द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स इन सेफ गार्डिंग द लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ पीपल वाइल मेंटेनिंग माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन अ सस्टेनेबल मैनर। ओके दोस्तों, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए NTPC हैज़ लॉन्च्ड हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड कार प्रोजेक्ट रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑन अप्रैल 26, 2020। तो 26 अप्रैल 2020 को रिसेंटली NTPC ने हाइड्रोजन फ्यूल बस कहाँ पे और कार कहाँ पे रिसेंटली किया है दोस्तों लॉन्च? तो लेह में दोस्तों, ये आपका सही आंसर है, लेह में किया है। देखिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों NTPC लिमिटेड इंडियाज लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर हैज़ इनवाइटेड ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोवाइड 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक बस एंड एन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक कार। तो इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार ये कहाँ पे किया है? लेह और दिल्ली में लॉन्च किया है, प्रोड्यूस किया है। ठीक है दोस्तों, चल नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नासा सनराइज मिशन। द सनराइज मिशन इज टू स्टडी अबाउट हाउ सन क्रिएट्स जाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोजेक्ट विल लॉन्च नो अर्लियर देन July 1, 2023 at a cost of $62.6 million. Choose the correct। ठीक है, तो आपको चूज करना है इसमें से स्टेटमेंट। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बोथ वन एंड टू, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ वन एंड टू। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विच इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ डेवलप्ड टेस्टिंग किट फॉर COVID-19। तो दोस्तों इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ डेवलप, किसने डेवलप, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है टेस्टिंग किट फॉर COVID-19 के लिए किट डेवलप किया है। तो दोस्तों माई लैब इंडिया जो है ये डेवलप किया है टेस्टिंग किट फॉर COVID-19। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली द टर्म बियर बाइल इन न्यूज रिलेटेड विच ऑफ द फ्लोइंग। तो बियर बाइल अभी रिसेंटली बहुत फेमस है न्यूज़ में, ये वर्ड जो है दोस्तों ट्रीटमेंट फॉर COVID-19, ये ट्रीटमेंट फॉर COVID-19। देखिए
डिस्क्रिप्शन देखिए इसका, देखिए द फॉर ट्रीटिंग सेवरल एंड क्रिटिकल केस ऑफ कोविड 19 चाइनीज गवर्नमेंट हैज़ रिकमेंडेड एन इंजेक्शन, एक इंजेक्शन है दोस्तों, ओके, इंजेक्शन ऑफ टैन री क्विंग व्हिच कंटेन्स बियर बाइल, द यूज ऑफ बियर बाइल इन चाइनीज मेडिसिन डेट्स बैक एट लीस्ट 1300 ईयर्स बाइल इज सीक्रेटेड बाई द लीवर एंड स्टॉम इन द गॉल ब्लैडर, बाइल फ्रॉम बियर टेंस टू बी हाई एन एक्सोजेनिक एसिड ऑल्सो नोन एज यूरिसोडियल विच इज हेल्पफुल इन डिजॉल्विंग गॉल स्टोन एंड ट्रीटिंग लीवर डिजीज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ डेवलप 5 मिनट टेस्टिंग किट फॉर कोविड 19, 5 मिनट टेस्टिंग किट फॉर कोविड 19, योर करेक्ट आंसर इज बी अबोट, अबोट, ठीक है। व्हाट इज अबोट देख लेते हैं, देखिए अबोट लेबोरेटरी सक्सेसफुली डेवलप 5 मिनट टेस्ट किट फॉर कोविड 19, द टेस्ट किट रिसीव एन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बाई द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द टेस्ट बेस्ड ऑन द मोलिकुलर पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट इज सिमिलर लाइक फ्लू टेस्ट, द टेस्ट किट इज वेरी स्मॉल एंड पोर्टेबल दैट इज कैन बी यूज इन ऑलमोस्ट एनी हेल्थ केयर। अबोट देखिए अबोट लेबोरेटरीज के बाद देखिए इसका एस्टेब्लिश जो हुआ था 1888 में हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, लेक प्लूफ इलिनोइस US में है दोस्तों। अबोट लेबोरेटरीज एन अमेरिकन मेडिकल डिवाइस एंड हेल्थ केयर कंपनी, अबोट इंडिया लिमिटेड इज एन इंडियन सब्सिडियरी ऑफ अबोट लेबोरेटरीज, ओके। तो अबोट कंपनी जो है ये 5 मिनट टेस्ट किट फॉर कोविड 19 डेवलप किया है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेवल डॉकयार्ड मुंबई हैज़ डेवलप अ लो कॉस्ट टेम्परेचर गन इन इट्स फाइट अगेंस्ट कोविड 19, द इंस्ट्रूमेंट इज मैन्युफैक्चर एट अ कॉस्ट लेस देन, हाउ मच दोस्तों, लेस देन 1000 में ये बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑन अप्रैल 1, 2020 विच टेनिस टूर्नामेंट हैज़ बीन कैंसल्ड फर्स्ट टाइम आफ्टर वर्ल्ड वार टू, तो दोस्तों विंबलडन गेम अभी कैंसिल कर दिया गया है आफ्टर वर्ल्ड वार टू, ये किसमें ग्रास कोर्ट में होता है दोस्तों, ये जो बैडमिंटन का ये टेनिस का ये जो प्रतियोगिता है ग्रास कोर्ट में कहाँ होता है, ग्रास कोर्ट में होता है, ठीक है, ये कैंसिल कर दिया गया है। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, देखिए दोस्तों विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 1877, सिंस देन इट हैज़ बीन कॉन्टेस्टेड एवरी ईयर, हाउएवर इट वॉज कैंसल ड्यूरिंग टू स्टेजेस, वंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिटवीन 1915-1918, पहली बार कैंसिल हुआ था 1915-1918 एंड इट वाज कैंसल अनदर टाइम, सेकंड टाइम जब कैंसिल हुआ था सेकंड वर्ल्ड वार बिटवीन 1940-1945, और अभी थर्ड टाइम कैंसिल किया गया है ड्यू टू कोविड 19, ठीक है, ड्यू टू कोविड 19 में कैंसिल कर दिया गया है थर्ड टाइम, ओके दोस्तों, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम और अभी थर्ड टाइम कोविड 19 के कारण कैंसिल कर दिया गया है विंबलडन टूर्नामेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who has been appointed as new finance minister for United Kingdom? Okay, तो अभी जो है new finance minister for United Kingdom के लिए किसे appoint किया गया है दोस्तों, तो ऋषि सुनक, okay दोस्तों, ऋषि सुनक is recently appointed as a new finance minister for United Kingdom. Okay, देख लेते हैं description में, देखिए दोस्तों Indian origin ऋषि सुनक was named as the new finance minister of United Kingdom by PM Boris Johnson February 13, 2020. Rishi Sunak is the son-in-law of Infosys co-founder Narayan Krishnamurti. तो दामाद है दोस्तों, ठीक है, कि Infosys का co-founder है नारायण कृष्णमूर्ति, उनका दामाद है ऋषि सुनक, वो अभी हाल ही में ब्रिटिश कैबिनेट में मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। ऋषि सुनक इज एन इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश पॉलिटिशियन हु वाज बोर्न इन साउथ पैटॉन टू एन इंडियन पंजाबी फैमिली, ही हैज़ रिप्लेस साजिद जावेद हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट इन अ सरप्राइजिंग मूव, ओके दोस्तों। तो ये आज का सेशन था दोस्तों, जो अप्रैल महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाया है दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।